तो बिहार 2 दिन से सुलग रहा है, फिलहाल शांति का दावा किया जा रहा है। रामनवमी से शुरू हुआ, शुक्रवार को भी हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ पथराव हुआ। किस तरह से यह हिंसा, अब तक क्या कुछ शिकंजा, कितने गिरफ्तार, एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फिर वही पथराव, फिर वही आगजनी, फिर वही तोड़फोड़, फिर वही हिंसा और नफरत की आग। सुबह बदल गया, इलाका बदल गया, लेकिन तस्वीर वही है। धर्म के नाम पर नफरत की आग ऐसी भड़की कि बिहार के दो दो शहर सुलग उठे। रामनवमी की शोभा यात्रा खत्म ही होने वाली थी, तभी दो शहर धधक उठे। शेरशाह का शहर सासाराम और ऐतिहासिक शहर नालंदा पर हिंसा की आग ऐसे लगी कि लोग सिहर उठे। सबसे ज्यादा हालात नालंदा में बिगड़े। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुट भिड़ गए, दोनों ओर से पहले पत्थर चले, फिर गोलियां चलने लगी। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी, कई गाड़ियां धू धू कर चलने लगी। कुछ देर तक ऐसा लगा मानो शहर में ना पुलिस है ना कोई प्रशासन। इस वक्त हम नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके में मौजूद हैं और यहां पर भी हम दिखा सकते हैं कि पुलिस की भारी यहां पर तैनाती की गई है। और ये एक गोडाउन है और आप ये देख सकते हैं कि कल जिस वक्त यहाँ पर जबरदस्त हिंसा हो रही थी दो गुटों के बीच में, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया, घरों में गाड़ियों में आग लगाई गई, उसी दौरान इस गोदाम में भी देखिए जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। जब तक पुलिस जागी तब तक शहर बदरंग हो चुका था, सड़कें जंग का मैदान बन चुकी थी। पूरे शहर में जो है वो गश्ती हो रही है, लगातार पुलिस की गश्ती हो रही है और स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है, QRT यहाँ पर है। हम लोग लगातार पूरी रात भ्रमण किए हैं, अर्ली मॉर्निंग से अलर्ट हैं और पूरी कोशिश है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार से असामाजिक तत्व जो है इस बिगड़े माहौल का लाभ ना उठाएं, लोग शांति बनाए रखें। सासाराम का हाल भी नालंदा जैसा ही था। कल दोपहर को रामनवमी के जुलूस के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि शहर ही सुलग गया। उपद्रवियों ने पथराव किया, बाइकें तोड़ी, गाड़ियों को जलाया। कई घंटे तक सासाराम में हिंसा का खुला खेल चलता रहा। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हिंसा हुई और अभी भी तनाव है। ये मकान है मोहम्मद कुरैश का और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आखिर क्या तांडव हुआ यहाँ हिंसा का। आप देख सकते हैं किस तरह से घर का सामान तितर बितर है, संदूक में अब भी आग जल रही है, साइकिल और बक्से। और अब देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जहां से नालंदा में हिंसा की शुरुआत हुई। नालंदा के बिहार शरीफ में कल जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसकी शुरुआत दरअसल उसी जगह से हुई है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बिहार शरीफ का गगन दीवान इलाका है और सबसे पहली घटना यहीं पर घटी और यहीं पर तमाम गाड़ियां और बसेस जो यहां पर आप देख सकते हैं वो लगी हुई थी, उन्हें सबसे पहले आग के हवाले किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके में जो बस लगी हुई है, यहां पर दो बड़ी बसें हैं और जो छोटी गाड़ियां थी उनको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया और उसके बाद यहीं से जो है आगे हिंसा बढ़नी शुरू हुई और फिर शहर के कई अन्य इलाकों में तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई दो गुटों के बीच में और फिर आगजनी की घटनाएं घटी, कई गोदाम में आग लगाया गया, कई छोटे बड़े वाहनों को भी जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं उसी जगह की, आप देखिए बस की क्या हालत हो गई है, धू धू करके ये पूरा बस जो है वो जल चुका है और यही वो जगह है ठीक जहां पर आज तक इस वक्त पहुंचा है। और इसी जगह से जो बिहार शरीफ में सांप्रदायिक तनाव की घटना जो हुई है उसकी शुरुआत हुई। और हैरान और परेशान करने वाली बात यह भी है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और उसके बावजूद
अगर ये घटना ऐसी होती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं किस तरीके का कानून और व्यवस्था की स्थिति इस वक्त आपको दिख सकती है बिहार में। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर ये नहीं है, क्योंकि क्या रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो सकती थी, क्या इंटेलिजेंस को ये जानकारी नहीं हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो ये कहीं ना कहीं ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी जरूर है। लेकिन फिलहाल शहर में धारा 144 लगी हुई है और लगातार यहां पर प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि इलाके में शांति बहाली की जा सके।